मुझे कितनी भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, खाना खाना। ओ, क्या मेरी बच्ची जेनिफर रो रही है? दादी मुझे जल्दी जाना होगा, लगता है मेरी बहन रो रही है। बहन मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा। अगले कमरे में कोई चिल्ला रहा है। शेफ मुझे उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। क्या हुआ है बेटा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया, चलो कुकीज से शुरू करते हैं, इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती लेकिन मैं कोशिश करूँगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किट किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, देखो यहाँ यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ, ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओ आइडिया, कुकीज गोल होते हैं है ना, तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्किटल्स, मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है, ये रहे मेरे कुकीज, ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद, मैं छत को स्किटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है, मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच, ओ नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ मुझे पता था यही होगा, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है, इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है, दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? एक दो और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं यह कीमा लूंगी, धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है, ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी, कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है, अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो, मैं बैकन भी डालूंगी, बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारे लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ मैं ही जीतूंगी, देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस, इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है, थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा।
माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ओ वाह, ये साइज देखो, एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूट्रेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है, मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल, सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए, और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा, और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे, और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया, अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है, ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी, और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है, देखती हूँ। हाँ बढ़िया, अब नगेट्स को चीटोज में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओ, मैं लगभग भूल गई, केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ, अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, यह कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरे नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है, यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा, मैं जीत गई। ये क्या, तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए, इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है, और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट, और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा, आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा, यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओ, मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं एक पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे, और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो ये लगभग तैयार है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा, कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वह क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी, फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी, बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है।
प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह, कितना टाइम लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। ओह, क्या हो गया? अरे, आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है। ओह, यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है। मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या यह स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह, लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है और इसकी महक क्या कमाल का स्वाद है। हाँ, इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो, बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्तों, आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद आई? हमारे आज की रंगीन और स्वादिष्ट कुकिंग चुनौती से हमें बताएं और जल्द ही मिलते हैं बारादा पर।